हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप कल कल यानी कि 4 अप्रैल 2023 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो उससे पहले गाइस, अपने जो संडे को स्विंग ट्रेड दिए थे उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक अपना पहला स्टॉक था SBCL, जो बोला था गिरावट पे बाय करना है, 510 पे बाय करना है। आज स्टॉक का लो भी 510 है, अभी क्लोजिंग प्राइस है 513.3 के आसपास है, तो वहां पे अपना रनिंग है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी हुआ नहीं है, टारगेट भी नहीं है, इसलिए रनिंग है। आपको पता होगा फ्राइडे को भी अपने जेंटेक दिया था, वहां पे रनिंग बोला था, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस टारगेट नहीं आया था, तो जेंटेक ने 326 वाला स्टॉक अभी 341 का आज हाई मारा था। तो रनिंग का मतलब है कि नेक्स्ट डे वो स्टॉक अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकता है। फिर दूसरा स्टॉक था KPIT टेक, जो 913 पे बाय ऑन डिप बोला था। 913 के बाद स्टॉक 905 भी आया था, उसके बाद स्टॉक नीचे भी गिरा, 905 वाला स्टॉक नीचे भी आ गया था खासा, मतलब 800 आया, उसके बाद 760 भी आ गया था, यानी कि ये स्टॉक करीब 12 या 17 18% नीचे की साइड गिरावट भी आ गई थी, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। देखो, आपने 913 पे बाय किया, 905 पे भले अपना स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन वहां पे आपको एग्जिट करना है। जितना हो सके मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, आप 2-3 ट्रेड में बच भी जाओगे, आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉक अभी ऊपर चला गया। लेकिन एक ऐसा ट्रेड आएगा आपने जितने बचे हुए पैसे सब लेके चला जाएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है। आपको जितना हो सके रिस्क को लिमिटेड करना है, रिवॉर्ड अपना ज्यादा रखना है। फिर मेडिको बाय मतलब कंडीशनल बाइंग था, वो कॉल एक्टिव नहीं हो पाया। JBM में भी बहुत अच्छा स्टॉक था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हो चुका था, बोला ही था स्टॉक अच्छी रैली दिखा सकता है, लेकिन अपने गिरावट पे बाय बोला था, लेकिन स्टॉक गिरा ही नहीं और ऊपर की साइड बहुत अच्छी रैली दिखा दी, तो वो भी एक्टिव नहीं हो पाया। बंधन बैंक में अब देखो कंडीशनल सेलिंग था, 191 के नीचे सेलिंग था, कॉल एक्टिव नहीं हो पाया, इनवैलिड सेटअप हो गया, क्योंकि पहले क्या हो गया 198 का स्टॉप लॉस के ऊपर स्टॉक चला गया, तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो गया। तो पांच में से सिर्फ दो ही कॉल एक्टिव हो पाए, SBCL जो अभी रनिंग है और KPIT टेक में स्टॉप लॉस हो गए। तो अपना कल का परफॉर्मेंस जो कल दिए थे, अभी मैं आपको चार स्टॉक बताऊंगा जो आने वाले कल यानी कि 4 अप्रैल को अच्छा रैली दिखा सकते हैं। तो इसमें पहले स्टॉक का नाम रहेगा क्यूमिंस इंडिया। तो क्यूमिंस इंडिया को क्या करना है गाइस, आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो क्लियर कट डेली चार्ट के ऊपर आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है, और स्टॉक ने क्या किया वहां से रिवर्सल भी मारा है, यानी कि जो सपोर्ट कैंडल थी उसके हाई के ऊपर भी गया हुआ है, यानी कि कॉल अपना ऑलरेडी एक्टिव है, भले अभी एक दो दिन से स्टॉक गिरा है, लेकिन आपको अच्छे लेवल पे अभी मिल रहा है। तो स्टॉक का नाम है क्यूमिंस इंडिया, डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट है। यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, सपोर्ट कैंडल के हाई के ऊपर गया, यानी कि आपका रिवर्सल कंफर्मेशन हो चुका है, स्टॉक अभी यहाँ पे आपको सस्ते में मिल रहा है, तो यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर सकता है। तो आपका ये फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा, तो क्यूमिंस इंडिया का CMP है 1605 है, तो आपको क्या करना है कल ओपन प्राइस पे ही बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 1570, यानी कि जो ये लो मारा था उससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि आपको भी पता है कभी कभी स्टॉप लॉस लेवल के आसपास आके फिर से स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो अपने थोड़ा नीचे बफर रखेंगे और वहां पे बाय मतलब स्टॉप लॉस लगाएंगे। और आपका टारगेट रहेगा 1650 से 1680 का टारगेट, 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। तो अपना पहला स्टॉक हो गया क्यूमिंस इंडिया, जो आपको क्या करना है कल ओपन प्राइस पे बाय करना है, क्लियर कट आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो वहां से स्टॉक बाउंस बैक कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है उषा मार्टिन। ये स्टॉक आप देखोगे तो पिछले 10-12 दिन से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, लेकिन कल सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो सकता है। आपको पता है आपने कल भी दिया था JBM में, सेम पैटर्न था, सिमेट्रिकल का ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया, तो उसके बाद स्टॉक ने अच्छी रैली 10% की रैली ऊपर की साइड दिखा दी। तो ये स्टॉक भी अगर यहाँ पे आपको क्लियर कट सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो रिजेक्शन कैंडल है उसका हाई अगर पहले ब्रेक होता है तो आपको क्या करना है, बाय करना है, और यहाँ पे जो ट्रेंडिंग का सपोर्ट है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर लेकिन स्टॉक पहले नीचे गिरता है तो वो अपना क्या हो जाएगा, इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो उषा मार्टिन का भी CMP 216.9 है, तो आपको क्या करना है 219 के ऊपर बाय करना है, 212 का स्टॉप लॉस लगाना है, 230 से 235 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा लेवल पहले आता है, अगर 219 के ऊपर जब पहले जाएगा तभी अपना कॉल एक्टिव होगा, अगर 212 के नीचे पहले चला जाता है तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जो आपको क्या करना है, बाय करने का ट्राई करना है, स्टॉक का नाम है इंगरसोल। इंगरसोल को आपको क्या करना है, बाय करना है 2 घंटे के कैंडल के ऊपर, इंगरसोल
स्टॉक का नाम रहेगा ब्रेकआउट एंड रिट्रेस हो चुका है हल्का सा छोटा सा टाइम फ्रेम में 2 घंटे में। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर गया और यहाँ पे रिट्रेस कैंडल आप इसको बोल सकते हो। तो रिट्रेस कैंडल के हाई के ऊपर अपने बाय कर सकते हैं, लेकिन पिछली 15 मिनट की कैंडल बनती है तो अपने क्या करते हैं प्रीवियस कैंडल का हाई देखते हैं, तो इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे और रिसेंट जो लो मारा वो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉक अगर इसके ऊपर पहले जाता है तो अपने बाय करेंगे, अगर पहले नीचे आ जाता है तो वो अपना इन्वेलर सेटअप हो जाएगा। तो इस स्टॉक का अभी सीएमपी कितना है 2678 के आसपास है, तो अभी आपको बाय नहीं करना स्टॉक को, 2720 के ऊपर बाय करना, 2640 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2800 और 2900 का लेवल 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में कितना अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अगर 2720 का लेवल ब्रेक किया तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन सकती है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है और टारगेट भी बहुत बड़ा है, तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हो, 1 से 3 दिन में टारगेट अचीव हो सकता है। तो इतना तीसरा स्टॉक था इंगरसोल, अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जो आपको बाय करना है, स्टॉक का नाम है जीपीपीएल। जीपीपीएल को बाय करना है क्लियर कट, यहाँ पे आपको क्या करना है बाय करने का रीजन मैं आपको बता देता हूँ, 2 घंटे के कैंडल के ऊपर स्टॉक का नाम है जीपीपीएल, बाय करने का रीजन है रेसिस्टम बिकम सपोर्ट और ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ऊपर गया रिजेक्शन मारा, फिर से ऊपर गया फिर से रिजेक्शन मारा, यानी कि स्टॉक का क्या है पूरा सप्लाई जोन है। उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एग्जैक्ट रिटेस्ट करने का पे आया, उसका जो डिमांड जोन बन गया था वहां पे रिटेस्ट किया और यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको यहाँ पे रिवर्सल सिग्नल भी मिलता है। आपको बोला है कि जब भी कोई भी ट्रेंड लाइन डिमांड जोन के अंदर से क्रॉस होती है और वहां पे स्टॉक का प्राइस आता है तो वो एरिया रिवर्सल पॉइंट हो जाता है, तो सेम ऐसा ही हुआ, वहां से स्टॉक रिवर्स मार के फिर से ऊपर चला गया। तो अभी आपको क्या करना है, अभी बाय नहीं करना, आपको स्टॉप लॉस लेवल तो पता चल गया है लेकिन स्टॉक अभी महंगे में मिल रहा है तो थोड़ा सा गिरने देना है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास आएगा वहां से फिर से बाउंस बैक दे सकता है। तो अभी सीएमपी 117.5 है, तो अभी आपको बाय नहीं करना, स्टॉक को गिरने देना है, 116 तक आने देना है, वहां पे बाय करना 114 का स्टॉप लॉस लगा के, फिर से स्टॉक में ऊपर की साइड 120 से 122 का लेवल आ सकता है 1 से 3 दिन में। तो अपना चौथा और आखिरी स्टॉक था जो आपको बाय करना है लेकिन गिरावट पे बाय करना है। तो गाइज मैंने आपको टोटल 4 स्टॉक बताए, पहला स्टॉक है क्यूमिंस इंडिया जो ओपन प्राइस पे ही बाय करना है, उषा मार्टिन को वेट करना है ब्रेकआउट हो तब बाय करना है, इंगरसोल को भी ब्रेकआउट हो तब बाय करना है यानी कि कंडीशनल बाइंग है, और जीपीपीएल को गिरावट पे बाय करना है। तो 4 स्टॉक बहुत अच्छे है लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये स्टॉक में क्या करना है, आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। और गाइज आपने नोट किया होगा आपने जो भी ट्रेड देते हैं वो आज नहीं तो कल यानी कि आने वाले 1 से 10 दिन में आज बहुत अच्छी रैली दिखाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा लास्ट वीक के आप इंट्राडे के वीडियो देखोगे तो उसमें अपना पॉलिसी बजट था जो 594 के आसपास था, आपने गिरावट पे बाय बोला था लेकिन कॉल एक्टिव हुआ, स्टॉक ऊपर सीधा 640-50 चला गया था। उसके बाद TWL आपको पता होगा आपने 238 पे लो मारा था, अपना 237 का बाइंग लेवल था, 1 रुपये से रह गए, वहां से स्टॉक ने आज देखोगे तो 283 का हाई मारा था। तो TWL ने अच्छी रैली दिखाई, पॉलिसी बजट ने अच्छी रैली दिखाई, तो ये सब स्टॉक ऐसे मोमेंटम स्टॉक है। आज का पता है कि कल जैसे दिया था JBM में वहां पे भी सिमेट्रिकल गिरावट पे बाय बोला था लेकिन स्टॉक सीधा ऊपर चला गया, यानी कि ये स्टॉक में आप ध्यान से देखोगे तो अपने पैटर्न बहुत अच्छी होती है, सिलेक्शन भी बहुत अच्छा होता है लेकिन कभी कभी बाइंग लेवल पे नहीं आते क्योंकि स्टॉक इतने स्ट्रांग होते हैं तो वो गिरते ही नहीं है, तो आपको वो ध्यान में रखना है, लेकिन जब भी लेवल पे आते हैं तो आपको वहां पे मौका छोड़ना नहीं है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।